अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों वेलकम बैक टू तो माय चैनल तो जी नाश्ता बन रहा है पावर पैक इसमें ढेर सारी पालक ऐड की है देखने में आपको ज़्यादा लग रही होगी अभी लेकिन जैसे ये पकेगी तो ये बहुत ही थोड़ी सी रह जाएगी और काफ़ी है क्योंकि मैंने नाश्ता बहुत ये वाला हैवी करना है ताकि फिर मैं लंच मुझे स्किप करना है तो फिर अगर ब्रेकफास्ट हैवी होगा तो फिर डिनर तक मेरा काम चल जाएगा क्योंकि मेरा पूरे दिन में बहुत थोड़ा मैं खाती हूँ लाइक सुबह में या फिर दोपहर में या फिर कभी कभार रात में तो एक मील तो पावर पैक होना ज़रूरी है तो दो अंडे लिए इसमें मैंने नमक उट्टी भी मिर्चें डाल दी हैं और बस इसको मैंने फेंटा और इसके अंदर ऐड कर दिया है दैट्स इट अब इसको अगर आपने इसी तरह रखना है तो आप कवर करके उसको कुक करेंगे तो ऊपर का जो हिस्सा है वो स्टीम में कुक हो जाएगा लेकिन मुझे अंडा जो है वो ओवर कुक पसंद है कहीं पर भी कच्चा नहीं रहना चाहिए तो मैं इसको स्क्रैम्बल एग की तरह मैंने इसको इस तरह पका लिया है साथ में मैं दो ब्रेड के स्लाइसेस लूँगी और चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं होगा क्योंकि औरेंजेस इतने ज़्यादा लिए हुए मैंने तो फिर मैं कोई एक डेढ़ घंटे के गैप के बाद मैं ऑरेंज जूस बनाऊँगी तो बस ये मेरा नाश्ता हो जाएगा और बस आप जरूर ट्राई करिएगा पालक के साथ बड़ा ही अच्छा मुझे बड़ा अच्छा लगता है अगर इसमें मैं मशरूम्स ऐड कर लेती तो ये और टेस्टी हो जाता और ऊपर से आप इसके हॉट सॉस ऐड कर सकते हैं थोड़ी सी आप चिली सॉस ऐड कर सकते हैं तो बहुत ही मज़े का ये पूरा एक ब्रेकफास्ट सा बन जाता है बहुत टेस्टी लगता है तो मैं तो खाली ये अंडा भी खा सकती हूँ जो लोग डाइट करते हैं या वेट लॉस करना है तो आप ब्रेड को स्किप कर दें आप खाली ये जो दो अंडों का इतना बड़ा माशाल्लाह जो एक ऑमलेट बना है वो भी आप खाएंगे तो आपका टमी फुल हो जाएगा और आपको बहुत ही हेल्दी फील होगा लाइक काप्स को आप माइनस कर दें तो वैसे भी आपका गुजारा हो जाएगा अच्छे से इन तो जी मेकअप हर औरत की कमज़ोरी होती है वो औरत जिसको मेकअप करने का शौक़ होता है जैसे कि मैं तो मैंने बड़े टाइम के बाद इतनी मेकअप की शॉपिंग की है वरना मैं कोई एक आधी चीज़ लेती हूँ और ज़्यादातर मैं वही चीज़ें लेती हूँ जो कि मैं इस्तेमाल कर चुकी होती हूँ और मेरा उन पर ट्रस्ट जो होता है वो डिवेलप हो चुका होता है मैं नई चीज़ें बहुत कम ट्राई करती हूँ क्योंकि मुझे नई नई चीज़ें ट्राई करने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है लाइक like, मुझे अगर एक लिपस्टिक पसंद है तो मैं उसी को कितनी बार खरीद लूँगी रादर देन ट्राइंग अनदर ब्रांड नहीं मैं वो मेरी आदत है कि मेरे परफ्यूम्स हो गए मेरी चीज़ें हो गई वो मैं एक ही ब्रांड को ही कंटिन्यू रखती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए बस मुझे पसंद आने की देर है तो खैर जिस ब्रांड से मैंने लास्ट जब फ्राइडे पर मैं गई थी तो मैंने ये दो मस्कारा और सॉरी लिपस्टिक और आई ख़रीदा था अब मैं जब दोबारा गई एक दिन के बाद तो मैंने यह से तीन चार चीज़ें और ली तो ये मैं निकालती हूँ और फिर आपको एक एक का स्वास्थ दिखाती हूँ सो so, जी ये वो चीज़ें हैं जो कि मैंने अभी ख़रीदी हैं इस ब्रांड से इससे पहले कभी भी मैंने इस ब्रांड को ना तो इस्तेमाल किया है ना ही अच्छा देखा था कुछ आ, आ, ब्यूटी ब्लॉगर्स को यूज़ करते हुए लेकिन कभी तमन्ना नहीं हुई लेने की क्योंकि ये ब्रांड यहाँ पर था ही नहीं अभी भी सिर्फ सिटी सेंटर में इनका स्टोर ओपन हुआ है इसके अलावा किसी भी और मॉल में इनका कोई भी स्टोर नहीं है जहाँ तक मुझे आइडिया है तो खैर जी सबसे पहले जो ब्राउज़र मैंने लिया था मैं ये नंबर सेवन का ब्राउज़र जो है आ, जब से मुझे ये पता चला है कि ब्राउज़र नाम की भी कोई चीज़ होती है तब से मैंने यही यूज़ किया है और ये नंबर सेवन का ईज़िली मिल जाता है

बूट फार्मेसी पर इनका मिल जाता है ईज़िली तो मैं वहीं से रिपर्चेज किया दो बार और काफ़ी देर लास्ट कर सकता है और आप देख सकते हैं कि ये लाइट एंड डार्क का आ, मिक्स एंड मैच है कॉम्बो है और इसको मिक्स करके मैं अपना शेड बना लेती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा डार्क वो जो ब्राउन शेड लगा कर कंटोर करते हैं या अपने फेस को ब्राउन्स करते हैं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है मैं हमेशा इसमें लाइटर टोन लेती हूँ और इससे अपना खुद से अपना वो कंटोर और जो ब्राउन्स होता है उसका शेड बना लेती हूँ तो खैर जी ये इसका ब्राउजर मैंने लिया है इसकी पैकेजिंग जो थी इट वॉज ब्यूटिफुल बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को पैक किया हुआ है और क्वालिटी वाइज तो सुपर था तो चलें जी ये इसका जी लुक है और इनकी रेंज आती है डिफरेंट डिफरेंट कोई वीगन है कोई फिर इनकी ग्रीन है फिर इसके अलावा फिर डिफरेंट थीम पर इनकी कलेक्शन आती है तो ये इनकी अभी थीम आई थी ये हॉलीडे थीम थी आई थिंक तो उसमें से ये है ब्राउनज़र ये बेग्ड ब्राउंज़र है इसमें भी डार्क एंड लाइट का कोम्बो दिया गया है तो इसलिए मैंने इसको लिया क्योंकि मुझे इसी तरह के ही ब्राउनज़र पसंद है ना तो बहुत ज़्यादा डार्क ना ही लाइट ऐसा होना चाहिए जो कि आपके फेस को नेचुरल लुक दे राधा देन वो जो खिंची हुई लाइनें लग जाती हैं फेस के ऊपर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तो इसलिए फिर मैंने ये लिया इसका पेन साइज़ बहुत बड़ा है लाइक काफ़ी देर तक ये चलेगा और इसका ये जो मिरर दिया गया है वो भी बड़ा काम का है तो मैं अब आपको इसका शेड दिखाती हूँ ये इसका शेड है जी बहुत ही नेचुरल सा ये ब्राउन कलर है जिससे आप अपने फोरहेड को नोज को चीक्स uh, को ब्राउन्स कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं जिस चीज़ को आपने छुपाना है उसको इससे छुपा सकते हैं तो ये बड़ा अच्छी चीज़ है इसके अलावा आप इसको ब्लश ऑन के साथ मिक्स करके किसी डार्क ब्लश ऑन को लाइट भी कर सकते हैं लाइक कभी बहुत ही डार्क पिंक आ गया या ऑरेंज आ गया उसको इसके साथ मिक्स करके आप अपने ब्लशन को एक नया शेड उससे जनरेट कर सकते हैं तो ये लिया मैंने सेकेंड जो मैंने चीज़ ली वो मैंने लिया है जो ये एक हाईलाइटर हाँ, और इस शेड का हाइलाइटर मेरे पास नहीं है या तो गोल्ड है शैम्पियन है लेकिन इस शेड का बिल्कुल भी मेरे पास कोई भी हाइलाइटर नहीं था तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ अभी मुझे लगता है मुझे फ्लैश ऑन करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे ये पता नहीं चल रहा कैमरे की आँख इसको जस्टिस नहीं कर रही है। ये कितना खूबसूरत है तो ये एक रोज़ गोल्ड बेबी पिंक ऑरेंज और गोल्ड का मिक्सचर का एक शेड था जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये तो मैंने कहा इसको लेते हैं क्योंकि इसको आप एज़ आ आई शेडो भी ट्राई कर सकते हो एज आ ब्लश ऑन भी लगा सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है और हाईलाइट भी कर सकते हो अपने फेस को तो इसका जो नंबर है वो है ज़ीरो टू और इसका नाम है ओपन माइंड ये भी इनके एक रेंज है आप देख लें कोई चीज़ की पैकेजिंग कुछ और है लाइक कोई ग्रीन है कोई ब्लू है कोई वाइट है क्योंकि इनके डिफरेंट डिफरेंट तरह की सारी वो चीज़ें थी तो खैर जी ये इसका शेड है बहुत ही नेचुरल शेड है इसका तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और इसको आप मल्टी पर्पसली यूज़ कर सकते हो लाइक आई शेडो ब्लश ऑन हाईलाइट कर सकते हो अपने फेस को और लिपस्टिक पे भी आप ऐड कर सकते हो अगर कभी आपको बहुत ही किसी लिपस्टिक को हल्का सा शिमरी शेड देना है तो उस लिहाज से भी ये मुझे बड़ा अच्छा लगा अच्छा मुझे ना प्राइसेस अब याद नहीं है लेकिन ये था कि कुछ चीज़ें मैंने थर्टी परसेंट ज़्यादातर थर्टी परसेंट में से ली हुई हैं और कोई एक आधी चीज़ होगी जो कि मुझे सेवेंटी परसेंट पर मिली है ज़्यादातर थर्टी परसेंट ऑफ था चीज़ों पर ये है जी नेक्स्ट का ब्राइट डो बेग्ड आई शेडो ये ओमरे में है दो का मिक्सचर है कॉम्बो है तो इसमें बड़े अच्छे अच्छे शेड थे लेकिन जो मुझे आ, लगा के जो मेरी स्किन टोन के साथ ही जिसको मैं बड़े अच्छे से कैरी कर सकती हूँ तो मैंने वो पिक किया है और ये आ, लाइट पी आ, पाउडर पिंक का और उसी का ग्लीटरी सा एक ओमरे उन्होंने इसका शेड बनाया हुआ है जो कि बड़ा ही खूबसूरत था तो ये भी मैंने इसीलिए लिया कि इसको मैं एज अ आई शेडो तो यूज़ कर सकती हूँ लेकिन इसको मैं एज़ अ हाइलाइटर यूज़ कर सकती हूँ जो ऊपर का शिमरी पार्ट है नीचे के पार्ट को भी मैं एज़ अ ब्लॉशन यूज़ कर सकती हूँ और बड़े मज़े मज़े के इससे लुक्स ट्राई बनाई जा सकती हैं और ट्राई की जा सकती हैं तो ये इसको मैंने इसलिए ले लिया और छोटी चीज़ें इसलिए मैंने ली हैं कि मेरे पास आई शेडवो किट्स सारी बड़ी हैं तो जब मैं ट्रैवलिंग करती हूँ तो मुझे इतनी प्रॉब्लम होती है तो फिर मैंने ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अब से लेना शुरू करनी है और एक ट्रैवलिंग साइज़ का वो मैंने अपना पाउच रेडी करना है जिसमें सारी चीज़ें छोटी हों आसानी हो आपको ट्रैवलिंग में क्योंकि बड़ी जो आप चीज़ ले लेते हो ना उसको ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है तो ये इसका शेड आप देख सकते हैं ये दोनों का मिक्स करें तो कुछ इस तरह का शेड बनता है बड़ा ही मज़े का और फिर आप इसको अलग अलग भी दोनों को लगा सकते हैं लाइक लाइक सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं तो बड़ा अच्छा था इसका ये था ये इसका शिमरी है और नीचे वाला इसका जो ये मैट में है उसमें भी हल्का सा ग्लिटर है बट बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये तो खैर अगर आप में से कुछ लोगों ने यूज़ किया होगा लेकिन अगर जो लोग ऊान में रहते हैं तो उन्होंने आई नो कि उन्होंने नहीं यूज़ किया होगा तो वो उसको ज़रूर ट्राई करें आपको बहुत अच्छे लगेंगे इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और प्राइस भी मैं कहती हूँ बहुत ही रिज़नेबल थी एज़ कम्पेयर टू अदर बिग ब्रांड्स इनका आ, मुझे बड़ा अच्छा लगा हालांकि जो इंग्लॉड है उनकी चीज़ें अच्छी हैं लेकिन पता नहीं क्यों कभी मेरा दिल नहीं गया कि मैं वहाँ से शॉप करूँ या उनकी कोई चीज़ लूँ मैंने कभी भी वहाँ से सवाए मैंने उनके आई के कुछ ट्राई नहीं किया क्योंकि मुझे कभी इंगलॉड इतना ज़्यादा अट्रैक्ट किया ही नहीं और मुझे कभी अच्छा लगा ही नहीं इंग्लॉट तो मैंने इंग्लॉट से कभी कुछ नहीं लिया सवाए उनके आई के लेकिन इनकी चीज़ें मुझे अच्छी लगी इनकी पैकेजिंग अच्छी लगी इनकी जो सेल्स गर्ल थी दे वो वेरी कोऑपरेटिव उन्होंने बड़े अच्छे से सारी चीज़ें गाइड की तो वो मुझे अच्छा लगा नेक्स्ट जो है जी ये है जी ट्वेंटी फ़ोर के आ, मस्कारा तो मैं तो जी बड़ी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ एसेंस के मस्कारास की मैं कहती हूँ कि जब से मैंने एसेंस के मस्काराज ट्राई किए हैं उसके बाद मैंने सारे मस्काराज लेने छोड़ दिए और सिर्फ मैम एसेंस के साथ कहते हैं ना उनकी लॉयल कस्टमर बन गई क्योंकि इनके मस्काराज का कोई भी कंपैरिजन नहीं है प्राइस तो इनकी बहुत कम है लेकिन परफॉर्मेंस में अप्लाई करने में और जो इसका एंड रिज़ल्ट आता है इट्स अमेजिंग और बहुत बड़े बड़े ब्यूटी ब्लॉगर्स जो हैं और ब्यूटिशंस जो हैं वो एसेंस के मस्कारास ही यूज़ करते हैं और मैं भी कितने सालों से अब यही ले रही हूँ हालांकि मेरे पास और भी हैं लेकिन मुझे ज़्यादा यही जो इनकी रेंज है वो अच्छी लगती है तो मैंने कहा चलें जहाँ पर मैं नई चीज़ें ट्राई कर रही हूँ वहाँ पर मैं इनके मस्कारा भी लेती हूँ और इनको ट्राई करती हूँ और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि सेल पर थे तो मैंने कहा ले लेनी चाहिए क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं कि जो आप जैसे कि मैं बारह पंद्रह डाल का मस्कारा कभी भी नहीं खरीदूँगी क्योंकि मेरे पास एक ऑलरेडी एक चीपर ऑप्शन है जिसका रिज़ल्ट मैं किसी भी बड़े ब्रांड या मस्कारा के साथ कंपेयर कर लूँ तो उसके लेवल से भी ज़्यादा अच्छा है तो फिर मैं क्यों किसी बड़े ब्रांड का मस्कारा लूँगी कभी भी नहीं लूँगी लेकिन ये तो या था कि ये सेल पर थी ये चार रियाल का था मस्कारा और पहले आई थिंक ये ग्यारह रियाल का या बारह का था तो मैंने कहा इसको लेना चाहिए और ये बड़ा ही अच्छा था ये मस्कारा मैंने वहाँ पर ट्राई किया था अच्छा तो जब भी आप मेकअप की शॉपिंग करने जाएँ ना आप अपने फेस पर कुछ ना लगा कर जाएँ जो भी आप चीज़ लें वहाँ पर अपने फ़ेस पर अप्लाई करके फिर लें फिर ही आपको फ़ायदा होगा घर से कभी भी मेकअप करके ना जाए तो अभी जब मैं गई थी जब मैं लास्ट फ्राइडे गई थी तब तो मैंने मैं तैयार थी तो मैंने कुछ भी नहीं लिया था मैंने एक आई शेडो ट्राई किया था और एक लिपस्टिक ली थी तो लेकिन आज जैसे मैं गई थी तो मैंने इनकी सारी चीज़ें ट्राई की इनकी फाउंडेशन मैंने ट्राई की इनके मैंने पाउडर्स ट्राई किए फेस पाउडर तो लेकिन वो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि मैं पाउडर ज़्यादा यूज़ नहीं करती लेकिन शायद मैं ले लूँ क्योंकि अभी जो मैं इनकी चीज़ें देख रही हूँ उस हिसाब से मुझे लगता है कि मैं इनके पकाया और भी शॉपिंग करूँगी इनके ब्रांड से तो ये मस्कारा जो था ये इसका मैंने अप्लाई किया तो बहुत ही एक नेचुरल सी लुक आई और बहुत ही वन गो में, में मेरी आई में मैंने मेजर ए डिफ्रेंस देखा अदरवाइज़ तो ये जो एसेंस के मस्कारास हैं दे आर मैं कहती हूँ दे यार अमेज़िंग इनको कोई मस्कारा दुनिया में बीट नहीं कर सकता कुछ लोग होते हैं उनके लिए बस ये चीज़ मैटर करती है कि यार अच्छा ये इसकी प्राइस ज़्यादा है तो आप ये ले लो क्योंकि इसकी प्राइस अच्छी है यह ये ये ब्रांड बहुत अच्छा है तो आप इसको ले लो नहीं ऐसा नहीं होता आपको चीज़ ट्राई करनी चाहिए अच्छी लगे तो लेनी चाहिए अदरवाइज़ फजूल है इतने पैसे स्पेंड करना फिर मैंने वहाँ पर एक और मस्कारा देखा तो उसका मुझे ब्रश बड़ा अच्छा लगा जो कि था ये एक्स्ट्रा स्क्रब और मुझे इसका ब्रश जो था वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट लगा और मुझे लगा कि मुझे इसको भी ले लेना चाहिए क्योंकि मस्काराज आपके पास कितने ही हों कम होते हैं मैं तो नॉर्मल अपनी रूटीन में भी मस्कारा लगाती हूँ तो मैंने ले लिया और सबसे बड़ी बात थी कि मैंने कभी भी वाटर प्रूफ मस्कारा नहीं यूज़ किए क्योंकि उससे आपकी आई ख़राब होती हैं तो मैं हमेशा रेगुलर वाला मस्कारा यूज़ करती हूँ और मुझे एक अशद ज़रूरत है एक वाटर प्रूफ मस्कारा की तो ये वाटर प्रूफ मस्कारा है और साथ में ये इसका ब्रश बड़ा अच्छा था और इसकी भी फ़ौन वॉल्यूम इसने मेरी आई को दिया और मेरी आई बिल्कुल एक से दो स्ट्रॉक में ही बड़ी अच्छी उनके यहाँ लुक आई तो मैंने इसलिए इसको लिया और वाटर प्रूफ इसलिए मुझे चाहिए था एक क्योंकि कभी कभी होता है कि आपका इतना फ्लॉलेस मेकअप होता है लेकिन गर्मी में या किसी वजह से आपका मस्कारा फैल जाता है हल्का सा हालांकि मेरे साथ कम होता है लेकिन फिर भी मैंने कहा कि एक तो ले ही लेती हूँ तो ये मैंने ले लिया फिर अब ये भी मेरे ख्याल से उतने तो का ही था थ्री का था या टू का था लेकिन ये था कि इस मस्कारा पर सेवेंटी ऑफ था इस पर सेवेंटी था और दूसरे पर थर्टी था आई थिंक सो जी लास्ट में है जी ये लिक्विड मैट लिपस्टिक और ये डार्क पिंक में मैंने ली है इट्स नॉट शॉकिंग पिंक इट्स नॉट पिंक इट्स पिंक एंड मरून का एक जो शेड बनता है इट्स लाइक दैट और मुझे इस तरह का पिंक बहुत पसंद लगता है जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट भी ना हो और बीच का जो एक शेड होता है तो मैं मैक के एक लिपस्टिक यूज़ करती हूँ कितने सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ और उसी उसको मैंने रीपरचेज़ किया है उसके बाद अगर किसी लिपस्टिक पे मेरा दिल आया है तो वो ये है और इसको मैं आपके साथ हॉल तो मैं आज कर रही हूँ लेकिन दो बार मैं इसको लगा चुकी हूँ और ये इसका शेड मैं आपको दिखाती हूँ इट्स समथिंग लाइक दिस और इसकी जो स्मेल है वो थोड़ी सी जैसे परफ्यूम की स्मेल होती है वो है जो कि थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं होना चाहिए था लेकिन ओवरऑल इसका जो फॉमूला है वो बहुत ही ज़्यादा थिन है लाइक like लाइट है जेंटल है लिप्स पर मेरे पास सुधा के लिपस्टिक्स हैं लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है उनको लगाना क्योंकि उनको लगा कर आपके हॉन्ट बिल्कुल स्टिक होते हैं और ऐसे लगता है कि आपने कुछ बहुत ही अजीब सी चीज़ अपने होंटों पर लगा ली है और इरिटेशन होना शुरू हो जाती है लाइक दे आर सो मैट कि आपके लिप्स जो है ना मुझे नहीं अच्छी लगती इसलिए मैं उनको यूज़ ही नहीं करती तो खैर जी इसका फॉर्मूला बहुत है नया बहुत जेंटल है लिप्स के ऊपर लगा कर लगता ही नहीं है कि आपने कोई सुपर मैट सी लिपस्टिक लगाई हुई है बहुत जेंटल है लिप्स के ऊपर और ये इसका शेड है जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और इसका नंबर जो है वो है ज़ीरो और ये इनकी रेंज थी जी लॉस्ट इन मलाफी और उस रेंज में से ये इनके लिपस्टिक है इसमें दो तीन दो शेड और भी थे लेकिन वो एक तो बहुत ही लाइट था और एक ऑरेंज था और आई डोंट लाइक ऑरेंज, तो दिस इज़ द शेड जो कि बड़ा बेस्ट है तो ये हल्का सा मैंने इसको टेस्ट किया है हल्का सा ये समझ हुआ है वो भी इसलिए कि मैंने अपने हाथों पर वैज्लिन लगाई हुई है तो अगर मैंने वैजिलिन ना लगाई होती तो शायद ये इतना भी आ, समझ ना होता क्योंकि ये बहुत ही सुपर मैट है और जब मैंने इसको रिमूव किया था तो मुझे मेकअप रिमूवर के साथ ही इसको रिमूव करना पड़ा था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मैट है और इसको उतारने के लिए आपको मेकअप रिमूवर यूज़ करना पड़ेगा सो so, जी ये रही मेरी शॉपिंग अब इन सब चीज़ों को मैं ट्राई करूँगी फिर फ़ाइनल बताऊँगी कि देखने में ये चीज़ें अच्छी थी अब इस्तेमाल करने में है कि नहीं है अब वो मैं काफ़ी बार यूज़ करूँगी फिर ही फ़ाइनल रिव्यू शेयर करूँगी और जैसे कि मस्काराज हो गए वो लगा कर पता चलेगा और इसके अलावा बाकी तो चीज़ें आम सी हैं उनका तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है लेकिन मस्कारास का मैं फ़ाइनल रिव्यू जो है वो कुछ वीक्स के बाद दूंगी जब मैं इनको अच्छे से यूज़ कर लूँगी और बस ये काफ़ी टाइम के बाद मैंने एक ही ब्रांड से इतनी ज़्यादा शॉपिंग किया मेकअप किया अदरवाइज़ मैं नहीं करती कोई किसी ब्रांड की कोई चीज़ मैं ले रही होती हूँ किसी की कोई क्योंकि Uh, मैं एक चीज़ों इस्तेमाल कर लेती हूँ वो मुझे अच्छी लगती है फिर मैं उसी को ही रिपर्चेस करती रहती हूँ चाहे वो परफ्यूम्स हो जाएं चाहे वो मस्कारास हो जाएं जैसे एसेंस के मस्कारास को मैं बहुत बार ले चुकी हूँ लाइक बहुत बार ले चुकी हूँ मैं बता भी नहीं सकती इसी तरह जो मेरी फाउंडेशन है वो भी कितने सालों से एक ही है वही मैं यूज़ कर रही हूँ लाइक uh, उन मैं ज़्यादा चीज़ों को ट्राई नहीं करती क्योंकि मुझे पसंद नहीं है तो खैर जी ये मेरी शॉपिंग थी आपको कैसा लगा नीचे ज़रूर बताइएगा व्लॉग को यहीं पेंट कर देती हूँ आपसे मिलती हूँ कल टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज़